उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है, जिसमें यह कहा गया था कि 22 और 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश होगी। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, वहीं कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी देखने को मिली है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में बड़ा बदलाव आ सकता है। उधर एक बार फिर भीषण ठंडी वाले दिनों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बाराबंकी, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली सहित दर्जन भर जिले शामिल हैं, जहां पर आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग की सूची में सूबे के करीब 35 जिले शामिल हैं, जिसमें कोहरे के साथ साथ भीषण ठंड की संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अभी 24 घंटे तक आसमान में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जताई है। कहीं कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सर्द हवाओं के कारण जनजीवन पहले से भी प्रभावित है। इसी बीच बिजली संकट भी पैदा हो गया है। मौसम खराब होने से कुछ रात्रिकालीन बसों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पाला पड़ने से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। फिलहाल पूरी जनवरी भर कड़ाके की ठंड रहेगी। फरवरी में मौसम के सुधार होने की संभावनाएं हैं।